न्यूज लाइव राजस्थान पर हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहे हैं राजधानी जयपुर से। काफी समय से लंबित मांगों के चलते जयपुर में जल्द आए कर्मियों का धरना प्रदर्शन। जयपुर के हसनपुरा रोड पर स्थित जल भवन पर आज अपनी लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने पर सैकड़ों जलदायक कर्मियों ने धरना प्रदर्शन का रोष व्यक्त किया है। बता दें कि राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारी हसनपुरा रोड स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय जल भवन पर जुटे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि कई भर्ती को कोई गति नहीं दी जा रही, तो वही तकनीकी कर्मचारियों को लीवरेज की भत्ते का कोई निर्धारण नहीं किया जा रहा है और सरकार को कई बार ज्ञापन देने के बाद भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा लगता है कि सरकार के पास हमारे लिए वार्ता का समय नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार पानी बंद का है। गौरतलब है कि यादव ने स्पष्ट किया कि हम नहीं चाहते कि पानी बंद करने की नौबत आए। सरकार चाहे तो हमारी हड़ताल को रोक सकती है। जुड़े हुए नहीं है और आज हम बड़ा निर्णय लेंगे। अप्रैल के अंदर मैं कर्मचारियों से बड़ी घोषणा करने वाला हूँ। बड़ा निर्णय लेके सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेगी। क्या निर्णय होगा आपका, किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई के लिए कौन कौन से हथियार आपके पास है? हमारे पास एक ही हथियार है, पानी बंद। इससे बड़ा कोई हथियार शायद है भी नहीं। ताकि हम नहीं चाहते कि हमें पानी बंद करने की नौबत आई। सरकार चाहे इस चीज को रोक सकती है। आंदोलन के कई तरीके हैं। हम कर्मचारी से कहते हैं कि 5 दिन की सीएल ले लेगा हम कर्मचारी, सबसे कोई रोक नहीं सकता। हम हड़ताल भी नहीं करेंगे, हमारा काम भी हो जाएगा। तो ये कब से कर रहे हैं आप पानी को लेकर हड़ताल? अभी महासमिति की मीटिंग बैठेगी इस आंदोलन इसके धरने प्रदर्शन के बाद, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। कब होगी मीटिंग? मीटिंग आंदोलन के बाद। अच्छा, आज ही? आज ही।